अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है शाज़ीब ख़ान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल देसी बॉय यूके। आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी, यूके में जो घर बने होते हैं वो बिल्कुल सेम क्यों बने होते हैं, सेम स्टाइल के क्यों बने होते हैं। आप मेरे पीछे घर देख रहे हैं बने हुए, या आप देख रहे हैं मेरे पीछे घर बने हुए, ये सब घर बिल्कुल सेम स्टाइल के बने हुए होते हैं। आगे गार्डन होगा, बैक यार्ड भी होगा पीछे, और सब का सेम ही तरह के बने होते हैं। स्ट्रीट क्या है, उस स्ट्रीट के पूरे पूरे घर ऐसे ही बने होंगे। तो कभी सोचा आप ऐसे क्यों होता है? हम अगर पाकिस्तान जाए ना तो आपने देखा होगा पाकिस्तान में एक घर होगा, ट्रिपल स्टोरी होगा, डबल स्टोरी होगा, सात साल बाद सिंगल स्टोरी होगा। आपके फैमिली ने कोई अच्छा मकान बना लेगा तो शौक करता रहेगा कि मेरा मकान अच्छा बन गया। यहाँ पे ये सीन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे सबका मकान सेम है। अगर कोई यहाँ पे डायरेक्टर है ना तो वो भी सेम मकान में रह रहा होगा, टू बेडरूम थ्री बेडरूम सेम स्टाइल का मकान में। और यहाँ पर कोई प्लम्बर की जॉब कर रहा है ना, वो भी इसी मकान में रह रहा होगा। तो यहाँ पर ये डिफ्रेंसिस यहाँ पर नहीं है। और हर घर में यहाँ पर गाड़ी खड़ी होगी, और कह लें कि बहुत अच्छा कल्चर है यहाँ पे। आपको यहाँ पे आने के बाद वो फील नहीं आती, लगा अक्सर लोगों को ये फील आती है कि कह लें कि कंपनी की फील आती है, या वो रिग्रेट करते हैं क्या हमारे पास पैसा क्यों नहीं है, घर अच्छा क्यों नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सब मकान आपको बिल्कुल सेम स्टाइल के नज़र आएंगे। और दूसरी बड़ी वजह यहाँ पर यह है कि इनका जो एक आर्किटेक्चरल ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे, या एक इनका जो हिस्टोरिकल हेरिटेज कह लें, वो भी बिल्कुल इसी डिज़ाइन भी बना हुआ है। आप अगर देखें ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो पुरानी बनी हुई हैं, 1800 की बनी हुई है, और 1910 की ऐसे की जो बनी हुई है बिल्डिंग, वो भी बिल्कुल सेम ऐसी बनी हुई है, स्टाइल में बनी हुई है। तो कह लें कि उसी हिस्टोरिकल कल्चर को, या कह लें कि ट्रेंड को फॉलो करते हुए ये लोग ऐसे मकान यहाँ पर बनाते हैं। और आप देखेंगे ना कि जो मकान की जो वो शेप होती है, या ये वी शेप में अपसाइड डाउन वी है, और सब के मकान ऐसे ही होते हैं यहाँ पे। यूके में मैंने कोई घर ऐसे देखा नहीं है यहाँ पे आज तक, जो जैसे पाकिस्तान में मकान बनते हैं वैसा भी बना हुआ हो, कोई नहीं देखा मैंने। और शायद ही हो, लेकिन नॉर्मली मकान ऐसे ही बने होते हैं, वी शेप होती छत उनकी, अपसाइड डाउन वी। तो मुझे पता नहीं एक्चुअल नाम उसका क्या है, लेकिन आई थिंक अपसाइड डाउन वी कहते हैं उसको। और इसकी बड़ी वजह यहाँ पर ये एक है कि अगर यहाँ पर जब स्नो फॉलिंग होती है ना, तो अगर ये ऐसे मकान ना बने हुए, उनका जो स्टाइल है ऐसा ना बना हुआ हो, तो बर्फ़ सारी छत के ऊपर रह जाएगी और वो इतनी जल्दी पिघलेगी नहीं। उनको पता है यहाँ पे विंटर में बहुत ज़्यादा स्नो फॉलिंग होती है। आप मेरे पीछे जगह देखें, ये रोड सारा देख रहे हैं, पीछे सारा ये सारा एरिया आपको बिल्कुल वाइट नज़र आएगा। मैं दिखाऊँगा जब अभी जनवरी में कहते हैं कि यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, स्नो फॉलिंग होती है, वो भी बहुत ज़्यादा स्नो फॉलिंग होती है। तो मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस यहाँ पर होगा, क्योंकि मैं तो अभी रिसेंटली यूके में आया हूँ। तो इस सारी जगह यूके जगह जो है ना भरी होगी स्नो फॉलिंग से, स्नो से भरी हुई होगी। तो अगर ये छत बिल्कुल स्ट्रेट हो जैसे पाकिस्तान इंडिया में बने हुए होते हैं नॉर्मल, तो वो फिर बर्फ़ पिघले भी की नहीं, तो वो उसको ना निकलने में मुश्किल हो जाएगी। तो जिसकी वजह से ये भी वजह है कि यहाँ पे मकान ऐसे बने होते हैं कि जब स्नो फॉलिंग हो तो बर्फ़ जो है ना स्नो ईजिली नीचे गिर जाए, उसके बाद वो मेल्ट भी हो जाए। तो ये एक रीज़न है जो कह लें कि मकान की जो शेप है टेरेस की वजह से बनी होती है। लेकिन जो ये जो मकान सब सेम बने होते हैं, किस तरह के बने हुए होते हैं, वो ये फॉलो करते हैं अपना कल्चरल ट्रेंड कह लें, जो इनके हिस्टोरिकल हेरिटेज है जो सन उसको ये फॉलो करते हैं, इसकी वजह से मकान सारे सेम होते हैं ऐसे। तो देखते रहिए मेरा चैनल देसी बॉय यूके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताएँ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।